हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। जैसे कि दोस्तों लगातार अपडेट आप सभी तक पहुंचता जा रहा है, देख रहे हैं इस बार जिलेबिया पहाड़ में ही पूरा जो है कांवरिया पथ पर बालू बिछना शुरू हो गया है। इसी प्रकार की तैयारी, लगातार अपडेट मिलता जाता है और लगातार एक्टिव रहना पड़ता है आप सभी भक्तों की डिमांड पर। तो लगातार दिखाते हैं कि कहाँ तक काम शुरू हो गया है। एक बार हमने आप सभी को दिखाया जिलेबिया पहाड़ में जो है बालू गिर रहा था, और आज देख रहे हैं दोस्तों फिर से दिखा रहे हैं जो यहाँ पर बालू को बिछाया जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करके रखिए और भी भक्तों तक जानकारी मिलेगी आप सभी के माध्यम से। तो देख पा रहे हैं किस प्रकार जो है बालू गिरा रहे हैं, यहाँ पर बिछा रहे हैं। तो चलिए लगातार बने रहिए और दिखाते हैं किस प्रकार यहाँ पर काम हो रहा है और आगे तक का भी दिखाने का प्रयास करते हैं। शेयर बिल्कुल अच्छे तरीके से, और देख रहे हैं काफ़ी मोटाई वाला बालू यहाँ पर बिछाया जा रहा है। ये देखिए काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है, लगातार जो है इसी प्रकार आप सभी को दिखाते जा रहे हैं और इसी प्रकार का अपडेट आप सभी तक मिलता जा रहा है। देख रहे हैं कितना तेज़ी से काम हो रहा है और कांवरिया भक्त भी लगातार चलते जा रहे हैं बाबा धाम की ओर, क्योंकि दोस्तों अब भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा दिखने लगा है। आप सभी को दिखाते रहते हैं कांवरिया पथ पर, इधर भी देख रहे हैं किस तरह यहाँ काम हो रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर कांवरिया भक्त चार चार आ रहे हैं और इसी प्रकार लगातार जो है देखने को मिलता है। काम भी देख रहे हैं लगातार तेज़ी से हो रहा है, काफ़ी मोटाई में देख रहे हैं बालू भी यहाँ पर जो है बिछाया जा रहा है। और देख रहे हैं कांवरिया भक्त भी आ रहे हैं लगातार। भाई क्या बात है, क्या बात है, माहौल ही बदल गया है कांवरिया भक्त का। और आगे बढ़कर दिखाएंगे कितना ज़्यादा जो है काम हो रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं किस प्रकार जो है इधर का सारा काम हो गया है और कांवरिया भक्त भी लगातार जो है बाबा धाम की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जिलेबिया पहाड़ का तो नज़ारा ही बिल्कुल बदल गया है, कांवरिया भक्त भी जाने लगे, सावन का पूरा महसूस अभी से ही होने लगा है। और अब जो है कांवरिया भक्त को देखें, गाड़ी वाला काम दिखाए, यहाँ पर देख रहे हैं दुकान की तैयारी हो रही है, यहाँ पर भी तैयारी हो रही, लगातार जो है चलते जाते हैं और आप सभी को दिखाते हैं। इस पर तो पैदल ही चलने में अच्छा लगता है, बाकी तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है ना इस पर बाइक अभी ड्राइव कर नहीं सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है अभी चक्कर धंसता है, फंसता है, इसलिए जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी दूर तक देख रहे हैं बालू बिछा चुका है लगभग इस जगह पर पूरा जिलेबिया पहाड़ में, फिर यहाँ से जो है ढलाई है, इसलिए जो है ढलाई के बाद से बिछाना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ पर ये जिलेबिया पहाड़ का जो पहला चढ़ाई होता है, लंबी चढ़ाई यहाँ से शुरू होता है, फिर जाकर आप सभी को खड़ी चढ़ाई देखने को मिलता है। इधर जो है पूरा पक्का है, परमानेंट, इसलिए जो है इधर बालू नहीं बिछाया गया। ये रहा आपका जिलेबिया पहाड़ का मोड़, और इधर से देख रहे हैं ये वाला यहाँ से बिछाना शुरू किया है, और इधर का जितना दुकान है सारा कुछ तैयार आप सभी को देखने को मिल रहा है, इधर भी बनकर तैयार है। और आगे देखते हैं आगे जहाँ पर कच्चा वाला है वो बनकर तैयार हुआ कि नहीं, उधर बिछाया कि नहीं। तो दोस्तों इधर का जो है साफ़ सफाई सारा कुछ ध्यान में रखा जा रहा है, इधर भी सारा कुछ देख रहे हैं दुकान वगैरह सारा कुछ यहाँ पर जो है बनकर तैयार हो रहा है, बहुत ही जल्दी से काम हो रहा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ये रहा पहला मोड़, यहाँ पर ये देखने में ना काफ़ी अच्छा लगता है जब सावन के महीने में आप सभी कांवरिया भक्तों का भीड़ रहता है, और दूर से देखने में उधर भी लग रहा है कि उधर जो है बालू बिछ गया है, क्योंकि दोस्तों पिछले अपडेट में जो भी दिखाया था हमने बालू का ढेर यहाँ पर लगा था और ट्रैक्टर से सारी जगह पर गिराया जा रहा था। और अभी देख रहे हैं आप सभी को पैदल चल के दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिए इस जगह पर देखिए कितना ज़्यादा जो है यहाँ से बालू गिरा हुआ बिछा हुआ बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल प्लेन हो गया है सारा कुछ, देख रहे हैं यहाँ पर श्रावणी मेला के लिए जो कांवरिया पथ पर जितना भी आप लोग चिंता जता रहे थे कि बालू बिछ रहा है कि नहीं, बालू नहीं बिछेगा तो कैसे चलेंगे, या फिर कैसा बालू बिछ रहा है, तो बालू वही है पतला वाला, ब्रिक वाला, बिल्कुल जो है ना मखमल सा कांवरिया पथ बन गया है और बिल्कुल आरामदायक होता है इस पर चलने में। देख रहे हैं इधर का सारा दुकान जो है काफ़ी तेज़ी में है, का भी सारा जो है छत वगैरह साफ़ सफाई सब कुछ बनकर तैयार हो गया है और पहुंच चुके हैं जिलेबिया का, देख रहे हैं मेन रोड वाला और कांवरिया पथ जहां से बगल बगल से होता है उसी क्षेत्र में, और ये जिलेबिया पहाड़ का जो है मेन रोड से पहला मोड़ पर, और इधर का भी देख रहे हैं सारा कुछ तैयार हो गया है बनकर। और आगे देखते हैं यहाँ पर देखिए इधर का जो है, इधर भी जितना बालू का ढेर था यहाँ पर सारा कुछ जो है बनकर तैयार हो गया है, इधर भी जो है बालू बिछा करके रेडी कर दिया गया है। आप समझ सकते हैं दोस्तों सारा काम जो है कांवरिया पथ का लगभग लगभग हो ही गया है, सिर्फ और सिर्फ बचा है तो बालू वाला काम पूरा होने के बाद सिर्फ अब दुकान का जो है बनने की तैयारी है। और देख रहे हैं दिखाते दिखाते देख रहे हैं एक गाड़ी वाले, देख रहे हैं कांवरिया कितने भक्त हैं यहाँ पर,
जलेबिया में हो गया श्रावणी मेला का जो है भीड़ शुरू। समझ सकते हैं गाड़ियों वाले की भीड़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और ये इधर का जितना भी कांवरिया पथ पर जो बालू था देख रहे हैं, इसमें अब जो है बांस वाला बैरिकेडिंग बाकी है, बस किनारे किनारे बैरिकेडिंग लगेगा पूरा जो है। अब एक बार अभी देख रहे हैं पूरा जो है यहाँ पर कांवरिया पथ और मेन रोड दोनों चिकना चिकना लग रहा है एक साथ, कितना मस्त लग रहा है। जो कि आप सभी जिसका डिमांड था, जिसका इंतजार था, वो सारा काम हो गया है, सिर्फ बचा है तो आप सभी को यहाँ का दुकान का काम, वो भी आखिरी से पहले ही सारा कुछ तैयार आप सभी को देखने को मिलेगा। जो कि आज भी देख रहे हैं यहाँ पर जो है काम काफ़ी तेज़ी में हो रहा है और दिखाते आ रहे हैं शुरू से ही जलेबिया पहाड़ से ही। तो लगातार दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आप सभी से उम्मीद करते हैं कि जो है जानकारी आप सभी तक मिलता है, और उम्मीद ये रहता है कि जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि और भक्तों तक पहुँचे और ऐसा जो है अगला सवाल ना आए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ, आप सभी भक्तों को कांवरिया पथ जलेबिया मोड़ से।